आई थिंक ये एक टाइम पीरियड है जो बहुत ही फेस्टिव होता है. सब यू नो सारी फैमिली एक साथ होती है. छुट्टियों का टाइम यूजुअली होता है. तो आई थिंक ये टाइम है जब आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हो, उनके साथ हॉलीडेज पे जाते हो. और मेरे तो हमेशा न्यू ईयर एंड क्रिसमस हॉलीडेज भी मेरे फेस्टिव, क्योंकि मेरे घर पर क्रिसमस भी मनाया जाता है. तो हमारे घर पर क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, तो उसके अराउंड बहुत सारी फेस्टिविटीज़. जैसे आपने कहा कि आपके घर पर क्रिसमस मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है, तो कोई बचपन की मेमोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे क्रिसमस की? आई थिंक वो बचपन की मेमोरी अभी भी चालू है. सेंटर लुक फ्रॉम द टाइम आई वाज अ लिटिल चाइल्ड, हम यू नो हमारे पेरेंट्स जो थे वो स्टॉकिंग्स के अंदर खूब सारे गिफ्ट्स भरते थे. बेसिकली जो जो चीज़ें हमें पसंद थी, जो हम चाहते थे, हमें यू नो टॉयज हो सकती हैं या डिफरेंट थिंग्स दैट वी वांटेड, वो उसमें डाल के रखते थे. और जो हम सुबह उठते थे तो वो हमें खूब सारी गिफ्ट्स मिलते थे. आई थिंक वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होती थी क्रिसमस ईव की. इस साल के न्यू ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? कौन से गाने पर परफॉर्म करने वाली हैं? बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रही हूँ, वो भी कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म कर रही हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कंट्री क्लब एक काफ़ी एक यू नो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना चुका है इन टर्म्स ऑफ न्यू ईयर परफॉर्मेंसेज. उनके क्लब्स बहुत अच्छे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी एसोसिएटेड विद कंट्री क्लब एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फर्स्ट यू नो परफॉर्मेंस विद डैम. एंड आई एम होपिंग फॉर अ यू नो लॉन्ग रिलेशनशिप विद डैम. और साथ ही जितने हिट गाने हैं मैं उन पर डांस कर रही हूँ. बहुत सारे गाने हैं जो मिक्स करके हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं करने के लिए. इस साल जीरो बंदी में हमने आपको देखा, आने वाले साल में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं? इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, मेरी मैं दो फिल्मों पे काम कर रही हूँ. एक का नाम है 7 Hours to Go जो शिव पंडित के साथ है. एक एक्शन फिल्म है, बहुत अलग है मेरे लिए, बिकॉज मैं फुल ऑन एक्शन कर रही हूँ. तो इसके लिए मैंने मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करी है, जिमनास्टिक्स में ट्रेनिंग की है. और उसके अलावा मैं एक और फिल्म कर रही हूँ कॉल्ड ग्लोबल बाबा, जो अगेन बहुत अलग है. उसमें मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ. दोनों फिल्में बहुत अलग है, एक थोड़ी सी रॉ है और एक कंप्लीट एक्शन थ्रिलर फिल्म है. और उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल डांस शो भी करती हूँ, जिसमें हमने पूरी दुनिया में अबाउट 100 शोज ऑलरेडी कर चुके हैं. और अभी मैंने स्पेन और पोर्चुगल में शोज कम्प्लीट किए. संदीपा, न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाया है आपने इस साल? मैं हर साल रेजोल्यूशन बनाती हूँ, लेकिन कभी यू नो उनको निभा नहीं पाती. तो इस साल मैंने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाऊंगी. सो होपफुली आई विल बी एबल टू कीप दैट. ऐसी कोई विश है जो नए साल में पूरी करना चाहती हैं आप? आई थिंक हर साल की तरह मैं यही चाहती हूँ कि इस साल स्पेशली ये साल बहुत सारी डेविस्टेशन हुई, फ्लड्स हुई, साइक्लोन्स हुए, अर्थक्वेक्स हुए. आई होप कि अगले साल ऐसा कुछ ना हो, सब सुख शांति में रहे एंड वी लिव पीसफुली. संदीपा, सलमान खान के साथ आपने काम किया था बंकी में, व्हाट 27 50th ईयर बताएगा, तो ऐसी कोई एक खास मेमोरी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे सलमान खान? आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मुझे अपनी सेकंड फिल्म में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला. एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. और मैं डीपली फ्रॉम माई हार्ट आई विश हिम द बेस्ट ऑफ द ईयर. और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, प्योर सोल है, एंड मोस्ट यू नो इज मोस्ट हेल्पफुल पर्सन दैट आई नो. So I hope he continues, you know, being that and being human grows bigger and bigger each year. New year se kya kuch expectation karti hain aap? Well, new year se main yehi expect karti hu ki wo pichle saal se aur better ho aur sab khush rahe, sab sukhi rahe. And yeah, I hope everyone has a happy year ahead. सांता से यही डिमांड है कि जो मैं सब चाहती हूँ कि सब मुझे मिल जाए. तो बस एक ही है. तो फाइनली सम विशेस, हियर इज विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस.